लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि गुस्सा क्या है, गुस्से के वजूहात क्या हो सकते हैं, गुस्सा हमें क्यों आता है, इनके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, यानी कि गुस्सा हम कैसे कम करें या गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर ले। हो सकते हैं इस वीडियो की वजह से कोई अपना गुस्सा कम करे या अपने गुस्से को मैनेज करना सीखे। अगर हम इंसान देख ले तो हमारे एहसासात और जज्बात हैं। उस एहसासात और जज्बात की वजह से हम इंसान एक दूसरे के करीब भी है और उन एहसासात और जज्बात की वजह से हम एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। तो इन जज्बात में से मैं आज बात करूंगा गुस्से के हवाले से कि बेसिकली गुस्सा क्या है। गुस्सा क्या है? जब इंसान के नाखुशगवार एहसासात और जज्बात में शिद्दत पाए जाए और इंसान तेज और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाए तो उसको गुस्सा कहा जाता है। गुस्से के हवाले से कुछ हकायक कि गुस्से की बिहाइंड, गुस्से के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। गुस्सा अगर आपके कंट्रोल में है तो आप एक जहनी सेहतमंद इंसान हो सकते हैं। गुस्सा अगर आपके कंट्रोल से बाहर है तो ये आपके रिश्ते आपसे छीन सकता है, आपके दोस्त आपसे छीन सकते हैं, आपको पछतावा हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। और ये भी एक हकीकत है कि गुस्सा हर इंसान को आता है। अब मैं बात करूंगा कि गुस्से के वजूहात क्या हो सकते हैं। तो गुस्से के दो बड़े वजूहात हो सकते हैं। एक को इंटरनल कॉजेस कहा जाता है यानी अंदर के वजूहात, और एक को एक्सटर्नल कॉजेस यानी बाहर के वजूहात। इंटरनल कॉजेस क्या हो सकते हैं? इंटरनल कॉजेस मीन आपके अंदर के वजूहात। तो आपके अंदर के वजूहात बुनियाद करता है आपकी परसेप्शन के ऊपर कि आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी है, आपकी सोच मुस्बत है तो आपको गुस्सा बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आपकी सोच में मनफी सोच है, अगर आपकी सोच में निगेटिविटी है, आपके अंदर तहस्सुब है, आपके अंदर हसद है, बोझ है, नफरत है, आप दूसरों को माफ करते नहीं हो, आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त की कमी है, तो ये है इंटरनल कॉजेज, ये अंदर की वजूहात है और इसकी वजह से आपको गुस्सा जरूर आएगा। गुस्से के एक्सटर्नल वजूहात क्या हो सकते हैं? यानी बाहर की वजूहात। बाहर की वजूहात मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं किसी काम के हवाले से जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और आप रश में फंस गए तो उस वक्त आपको गुस्सा आएगा। आप रात को अपने घर आ जाते हो, आपको खूब भूख लगी है और आपकी बीवी आपको कहे कि खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं तैयार किया, तो आपको गुस्सा आएगा। आप किसी जॉब के लिए बार बार अप्लाई करते हो लेकिन बार बार आपको रिजेक्शन होता है, कोई आपको तस्लीम नहीं करता, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई आपको हायर नहीं करता, तो आपको गुस्सा आएगा। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल वजूहात हो सकते हैं, इर्द गिर्द की वजूहात जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। हम बात करेंगे कि गुस्से के अकसाम क्या है। तो गुस्से के दो मेन टाइप्स है, दो किस्में हैं। एक को पैसिव एंगर कहा जाता है तो दूसरे को एग्रेशन कहा जाता है। पैसिव एंगर क्या है? पैसिव एंगर जहां पे आप अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरह करते हो कि आपको जब गुस्सा आ जाए तो आप दूसरे को ब्लेम करते हो, दूसरे को कसूरवार समझते हो, दूसरे को गाली देना शुरू करते हो। और अगर आप के अंदर पैशन है, आप कोई काम गर्मजोशी से करते हो लेकिन जब आपका पैसिव एंगर आ जाए, जब आप पैसिव एंगर के शिकार हो जाए तो आप गर्मजोशी से काम नहीं ले करते हो, आप फिर सुस्ती से काम लेते हो, आप प्रोक्रास्टिनेशन से काम लेते हो कि वाकई आपके अंदर
लेजीनेसपन आ जाता है और आप सुस्ती से काम लेते हो, तो दिस इज पेस योर एंगर। दूसरे टाइप को एग्रेशन कहा जाता है। एग्रेशन जहां पे एहसासात और जज्बात में तशद्दुद आ जाए, जहां पे आपके गुस्से में तशद्दुद आ जाए, शिद्दत आ जाए। आपके हाथ में अगर कोई चीज है तो आप कोशिश करते हो उसको तोड़ने की कोशिश करते हो या उससे किसी को मारने की कोशिश करते हो। अगर आपके हाथ में कोई कीमती कागजात हो तो अक्सर आप उसको फाड़ने की कोशिश करते हो। इसमें इंसान डिस्ट्रक्टिव माइंडेड हो जाता है, दूसरों को नुकसान देते हैं या अपने आप को नुकसान देता है और इसके मोहलिक असरात हो सकते हैं, क्योंकि गुस्से की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खून का रफ्तार तेज हो जाता है और खून का रफ्तार दिल के लिए और दिमाग के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे दिल के रगे और दिमाग के रगे कमजोर पड़ सकते हैं और हमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन लोग ये जो कि दिल की मरीज हो, जो ब्लड प्रेशर की मरीज हो, वो खासकर ये सीख ले कि वाकई वो अपने गुस्से को कैसे मैनेज कर ले, ये अपने गुस्से को कैसे कम कर ले, क्योंकि गुस्सा किसी वक्त किसी का भी जान ले सकता है। गुस्सा अगर मुसलसल आपकी लाइफ में है, आपकी रूटीन में है, आपकी जिंदगी में है, तो गुस्से से एंग्जाइटी, डिप्रेशन यानी नफसियाती मसाइल भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुस्से को मैनेज कैसे करें, यानी एंगर मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, और ये वीडियो आप जरूर सुने, गौर से सुने और गौर से देखें। एंगर मैनेजमेंट के हवाले से एक फिलासफर ने क्या खूब कहा है कि मैंने चाहा कि मैं दुनिया को बदल डालूं लेकिन मैं नहीं कर सका। जो चीज मैं कर सकता था, जो चीज मैं बदल कर सकता था, वो ये था कि मैंने अपने आप को बदल कर सकता था, सो मैंने अपने आप को बदल डाला। गुस्से से पहले, इससे पहले कि हम गुस्से के मैनेजमेंट पे बात कर ले कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर ले, मैं आपके सामने एक डिमोंस्ट्रेशन करता हूँ, प्रैक्टिकली एक चीज अप्लाई करता हूँ, आप इनको देख ले और इनसे भी आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। उसके बाद मैं स्ट्रेटजीज पे बात करूंगा, मैं हल के हवाले से बात करूंगा कि गुस्से को हम कैसे कम करें या गुस्से को कैसे हम हल करें। ये आग लग गया, अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे पानी डाल सकता हूँ, इसको मैं हवा दे के बुझा सकता हूँ, इस पे मैं कपड़ा डाल सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए, ताकि माचिस की ये तीलिया, ये बॉडी बच जाए। हमारा गुस्सा भी इसी तरह है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज के हवाले से कि हम कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि हमें गुस्सा ना आए या हम गुस्सा कंट्रोल कर ले ताकि हमारे बॉडी को या हम किसी और के बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आपने डेमोंस्ट्रेशन देख लिया कि वाकई हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, तो गुस्सा भी आग की तरह है। तो गुस्से को हम कैसे मैनेज करें, कौन कौन से तरीके अपनाएं, उस तरीकों पे बात करेंगे। पहला तरीका जो मैं आपको सिखाता हूं वो है ABC। ABC तरीका अगर आप लोगों ने सीख लिया तो मैं समझता हूं आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे मसाइल आप खुद हल कर सकते हो। अगर हम कर ले ए, यहां पे मैं ड्रा करता हूं ए, ये ए है, इसके साथ मैं एक और कर लेता हूं बी, ये बी है, और इसके साथ मैं यहां पे एक और सी लिखता हूं, ए बी एंड सी। ए का मतलब है कि तमाम एक्टिवेटिंग इवेंट, इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, वो कुछ भी हो सकता है। सी मीन उन तमाम वजूहात की वजह से हमारा रद्दअमल क्या है, हमारी बिहेवियर्स क्या है, हमारा रवैया क्या है, हम किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। एंड बी इस दरमियान में एक चीज है कि बिलीव्स क्या है, हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे अकायद क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, हम किसी चीज को किस एंगल से देखते हैं।
एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं। अगर एक्टिवेटिंग इवेंट, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं और गाड़ी में बैठा हूं, बहुत ज्यादा रश हो, ट्रैफिक हो, और रश और ट्रैफिक ए है बेसिकली, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। अगर रश बहुत ज्यादा है तो रद्दअमल क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि मुझे गुस्सा आएगा, मैं स्टीयरिंग को मारने की कोशिश करूंगा, मैं गाली दूंगा, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू सी, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। ए इज इक्वल टू सी, ए रद्दअमल अचानक ए की वजह से नहीं हो सकता, रद्दअमल अचानक एक इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से नहीं हो सकती, बल्कि ए बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी, ये कंप्लीट इक्वेशन बन जाता है। यानी हमारे दरमियान में हमारा बिलीव्स क्या है, हमारा परसेप्शंस क्या है, हम किसी चीज को किस एंगल से देखते हैं। अगर हमारी सोच मनफी है, अगर हम चीजों को गलत एंगल से देखते हैं तो गुस्सा जरूर आएगा। अगर हम चीजों को गलत एंगल से नहीं देखते, पॉजिटिविटी है, मुस्बत सोच है, तो गुस्सा कभी नहीं आएगा। जैसे अगर रश है, अगर रश है और मनफी सोच है कि ये रश लोगों की वजह से है, नहीं, ये मनफी सोच है। पॉजिटिव सोच क्या हो सकती है, मैं भी रश का हिस्सा हो सकता हूँ। पॉजिटिव सोच क्या हो सकती है, मैं थोड़ा वेट कर लूँ, थोड़ा इंतजार कर लूँ, म्यूजिक सुन लूँ, जिक्र कर लूँ, किसी दोस्त को फोन कर लूँ, तो ये है पॉजिटिव। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो, हमारे अंदर मुस्बत सोच है, तो मैं समझता हूँ हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं, हम बहुत सारे इश्यूज खुद हल कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। दूसरा तरीका कि अपने एहसासात और जज्बात, अपने गुस्से को कभी भी दबाने की कोशिश ना करो। जो चीज आप दबाने की कोशिश करें वो आपको अंदर से परेशान कर देता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपके एहसासात और जज्बात में शिद्दत हो, तो आप कोशिश कर ले कि अपने किसी दोस्त के साथ जरूर अपने एहसासात और जज्बात शेयर कर ले। अगर आपके दोस्त आपके साथ नहीं है तो आप अपने आप के साथ शेयर कर ले, आप ए बी सी को अप्लाई कर ले, अपनी फीलिंग्स इमोशंस अपने साथ डिस्कस कर ले कि वाकई ये क्यों है, किस चीज की वजह से, आप डिस्प्यूट कर ले अपने इरेशनल थॉट्स। तो मैं समझता हूँ आप कूल डाउन हो सकते हो, आप काम डाउन हो सकते हो, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि वाकई आपको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से की हालत में आपकी कोशिश है कि आप किसी को मारें, तो आप ऐसा कर ले कि एक तकिया ले या कोई और चीज ले और उसको पंच मारे, बार बार मारे, ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। कभी कभार अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को आप छोड़ें, उस सिचुएशन से आप अलग हो जाए और अकेले कहीं भी बैठ जाए, अपने आप के साथ डिस्कशन कर ले, अपने आप के साथ बातें कर ले। रियली अगर आप अपने आप के साथ डिस्कशन करते हो, आप अपने साथ बातें करते हो और आप अपने एहसासात और जज्बात अंदर नहीं छोड़ते, तो दिस इज अ हीलिंग प्रोसेस, ये एक हीलिंग प्रोसेस है और ये आपको सुकून देगा। तरीका कि अवॉइड हॉट थॉट्स। हॉट थॉट्स क्या है? हॉट थॉट्स ये है कि आप दूसरों को जज करते हो कि दूसरे लोग गलत कर रहे, आप दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो, दूसरे लोगों को कसूरवार ठहराते हो, आपके अंदर तासुब है, आपके अंदर नफरत है, आप हर चीज को मनफी अंदाज से देखते हो, तो ये हॉट थॉट्स है, ये गर्म ख्याल आते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा पैदा होगा। तो आप कोशिश कर ले कि डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम, आप कोशिश कर ले कि डोंट ब्लेम अदर्स एंड डोंट जज अदर्स, इससे भी आप अपने गुस्से को कम कर सकते हो। गुस्से के दौरान अगर आपको गुस्सा है तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसकी वजह से भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, यू कैन काम डाउन योर सेल्फ। जैसे आपको अगर गुस्सा है, अगर आप खड़े हो तो आप बैठ जाओ, अगर आप बैठे हो तो आप खड़े हो जाओ, अगर आप खड़े हो तो आप चलना शुरू कर ले, उस सिचुएशन को अवॉइड कर ले, उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर ले, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ले कि आप
गहरी सांसें ले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर ले, तो मैं समझता हूं आप वॉकिंग कर ले, जॉगिंग कर ले, खुद से बातें कर ले, हंसे, खूब हंसे, खुल के हंसे, अगर आप हंस सकते हो तो मैं समझता हूं दीज आर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसी भी आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हो। आखिर में एक और तरीका कि अवॉइड बिग मिस्टेक क्या हो सकते हैं? बिग मिस्टेक ये है, बड़ी गलतियां कि मेरी बीवी ने मुझे गुस्सा किया, मेरे बच्चों ने मुझे गुस्सा किया, मेरे बॉस ने मुझे गुस्सा दिलाया, लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया, दीज आर बिग मिस्टेक। अगर आप इस तरह करते हो तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, ये आपके अंदर गुस्सा बढ़ाएगा और आप अपने गुस्से को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इन स्ट्रेटजीज को, बहुत सारे स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये चंद तरीके आप कोशिश कर ले, आप इनको अप्लाई कर ले। और एक चीज, हम अपने एक्सपीरियंसेस से, हम अपने तजुर्बात से लर्न करते हैं, सीखते हैं, और हम अपने एटीट्यूड में, अपने पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर्स में चेंज लाते हैं। कल क्या हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उसको आप जज कर ले, उसको आप ABC के जरिए से आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कर ले कि वाकई कल मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मुझे पछतावा था, तो नेक्स्ट टाइम उस चीज को मैं रिपीट कर लूं, दोहराऊं या नहीं। तो मैं समझता हूं आपकी शख्सियत में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी शख्सियत बेहतरीन शख्सियत बनेगी और आप मेंटली हेल्दी हो सकते, आप ज़हनी सेहतमंद इंसान हो सकते। बस वो फिलासफर की बात के मैंने चाहा कि दुनिया को बदल डालूं, मैं नहीं कर सका। जो चीज मैं कर सकता था वो ये था कि मैं अपने आप को बदल सकता था, सो मैंने अपने आप को बदल दिया। अगर आपने अपने आप को बदल दिया तो मैं समझता हूँ चुटकी में आपका गुस्सा खत्म भी हो जाएगा और आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अपने दुआ में बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।